जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के सातवें दीक्षांत समारोह में प्रमुख रूप से उपस्थित उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाइक जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश कोहली जी, केंद्र सरकार में विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी, उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, कुलाधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य जी, कुलपति डॉक्टर योगेश चंद्र दुबे जी, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अतिथिगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, समावेशी शिक्षा की मिसाल कायम करने वाले जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी पदक विजेताओं, शिक्षकों, अन्य सभी विद्यार्थियों तथा अभिभावकों को मेरी बहुत बहुत हार्दिक बधाई। चित्रकूट का हमारे देशवासियों के हृदय में एक विशेष स्थान है। आज ये क्षेत्र नानाजी देशमुख के ग्राम विकास के प्रकल्पों और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की दिव्यांग सेवा के कारण मानव कल्याण और समावेशी विकास के एक प्रमुख केंद्र के रूप में पहचाना जाता है। इस क्षेत्र में मैं पहले भी आता रहा हूं, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में यहाँ की अपनी पहली यात्रा के दौरान इस विश्वविद्यालय में आकर और मेरे सामने बैठे हुए तमाम होनहार विद्यार्थियों को देखकर मुझे और भी प्रसन्नता हो रही है। ये विश्वविद्यालय एक अनूठा विद्या मंदिर है और ये मानवता की सेवा का एक अभियान भी है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए कुलाधिपति और उनकी पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय ने दिव्यांगता की चुनौतियों का सामना करते हुए एक भाषाविद, लेखक और वक्ता के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। वे स्वयं ही यहाँ के विद्यार्थियों के लिए एक आदर्श है। आपको उदाहरण ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है, फिर भी आपके सामने अनेक क्षेत्रों के कुछ उदाहरण हैं जिनका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। एक उदाहरण तो इसी प्रदेश की एक बेटी है अरुणिमा सिन्हा, जिससे यहाँ बैठे सभी विद्यार्थी प्रेरणा ले सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अरुणिमा सिन्हा ट्रेन दुर्घटना में अपना एक पैर गंवा चुकी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसने एवरेस्ट चोटी, उसके समेत विश्व में अनेक पर्वत शिखरों पर विजय प्राप्त की। इस घटना की हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। एक दिव्यांग जिसका एक पैर, क्या वो पैदल चलना जिसके लिए मुश्किल है और वो सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर जाए, उस पर फतेह हासिल करे, तो शायद इससे और बड़ी उसके जीवन की उपलब्धि क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश की एक और दिव्यांग बेटी इरा सिंगल, जिसने अभी 3 वर्ष पहले 2014 में आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज ये बेटी आईएएस अधिकारी है। इतनी कड़ी प्रतिस्पर्धा करने वाले इम्तिहान में पहला स्थान पाने के पीछे उसकी लगन की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। इसी प्रकार का एक और उदाहरण है चेन्नई की टिफनी बराड़, जो बचपन से 100% दिव्यांग है। उसने पढ़ाई के साथ साथ पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग और अन्य साहसिक खेलों में निरंतर भाग लेती रही
उसने कई भारतीय भाषाएं भी सीखी। टिफनी अब दिव्यांग जनों के लिए विशेष शिक्षा पद्धति पर काम कर रही है। इन उदाहरणों से ये जाहिर होता है कि हौसले के आगे विषम से विषम परिस्थितियां भी उठने फेंक देती हैं। मैं एक इस संबंध में एक और उदाहरण आप सबके सामने रखना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश के एक गांव के एक किसान परिवार में, अब सब लोग भी अधिकतर किसान परिवार से आते हैं, किसान परिवार में जन्मी दिव्यांग श्रीकांत बोल्ला की सफलता के बारे में सुनकर शायद हम सबको आश्चर्य होगा और प्रसन्नता भी। जन्म से ही श्रीकांत की आंखों में रोशनी नहीं थी। पहले उसने एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपनी पहचान बनाई, फिर उसने विश्व की सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं में शुमार अमेरिका की MIT में प्रवेश लिया। लेकिन अमेरिका या भारत में नौकरी करने की बजाय उसने अपना व्यवसाय शुरू किया। आज वो हैदराबाद में स्थित बोलांट इंडस्ट्रीज की मालिक है। उसने अपनी कंपनी में सैकड़ों दिव्यांगजनों को रोजगार दिया है। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स की अप्रैल 2017 का जो अंक निकला उसमें 30 वर्ष से कम आयु के एशिया के सफल 30 उद्यमियों की एक सूची जो प्रकाशित की गई उसमें इस हमारी बेटी का भी नाम शामिल है। इस देश में तमाम ये आधुनिक भारत की कहानी है, लेकिन मैं आप सबका ध्यान एक छोटे से प्रसंग के साथ में, प्राचीन भारत में भी हमने सुना है अष्टावक्र का नाम, और अष्टावक्र की दिव्यांगता 8 प्रकार की थी, एक प्रकार की दिव्यांगता नहीं थी। अब हम समझ सकते, कल्पना कर सकते हैं कि वो जो अष्टावक्र नाम का जो एक बहुत विद्वान हुआ उसकी क्या हालत रही होगी। एक बार उसको राजा जनक, हम सब लोग जानते हैं, बहुत ही कुशल प्रशासक और अध्यात्म के जाने माने सिरमौर जिनको कहा जाता है, बहुत विद्वान राजा थे, इनकी सुपुत्री माता सीता थी। तो राजा जनक अपने यहाँ उनकी परंपरा रखी थी कि हर अपने विद्वानों की सभा में सभी प्रकार के विद्वानों को आमंत्रित करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अष्टावक्र जी को भी आमंत्रित किया। अष्टावक्र जी ने उनके निमंत्रण को स्वीकार किया और वो जब गए वहां पर, क्योंकि निमंत्रण में राजा जनक ने कहा था कि मुनिवर आप आइए, हमारी विद्वत सभा जो है उसको आप संबोधित करिए, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, हम आपके कृतज्ञ रहेंगे। तो जब अष्टावक्र मुनि वहां पहुंचते हैं तो इसी प्रकार की सभा संभवतः लगी होगी। तो जब अष्टावक्र प्रवेश करते हैं सभागार में तो जितने भी उनके विद्वजन के सभा जो लगी थी उन्होंने सभी ने वो खिलखिलाकर हंस पड़े। उनकी दिव्यांगता का उनका उपहास किया और ये कहने लगे कि महाराज आपने जिस विद्वान कहकर के संबोधित करके तथाकथित विद्वान कहा है वो व्यक्ति तो शरीर से ही 8 प्रकार की उसको दिव्यांगता है, विकलांगता है, वो हमें क्या प्रवचन और ज्ञान का मार्ग सुझाएगा। इस पर राजा भी बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन वो जब अष्टावक्र जी के उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि राजा जनक जी, मैं बड़े अदब और आदर के साथ कह रहा हूं, आपने तो मुझे कहा था कि आपकी सभा में जितने भी लोग हैं समाज के विशिष्ट क्षेत्रों के उत्कृष्ट विद्वज्जन विद्वानों की सभा है, लेकिन यहां तो मैंने देखा कि जो सभा है वो विद्वानों के नहीं है बल्कि चर्मकारों की सभा है। राजा बहुत एकदम से उनका सिर घूम गया और अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं चर्मकारों की क्योंकि जो चमड़ी को पहचानते हैं
शरीर का अंग कैसा है उस व्यक्ति से उस व्यक्ति की जो प्रमाणिकता या उसका स्टेटस या उसका प्रतिभा को नापा जाता है वो चर्मकारी होता है। इस पर पूरी विद्वानों की सभा जो है हतप्रभ रही और उसके पश्चात जो उनका मार्गदर्शन मिला वो सभी जो विद्वज्जन पहले उनका उपहास कर रहे थे सबने खड़े होकर के गड़गड़ाहट के साथ में उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आज तक जितने भी हमारे इस विद्वज्जन की सभा में आए हैं ऐसा मुनिवर पहले कभी भी हमारी सभा को संबोधित नहीं किया। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वर ने बहुत एक ईश्वर हर दिव्यांग को एक विशेष प्रकार की प्रतिभा देता है, एक बड़ी प्राकृतिक चीज है और वो व्यक्ति आप देखेंगे उसमें वो जो विशेष प्रतिभा होती है उसका एक इस प्रकार का एक उसी गुण के आधार पर वो दिव्यांगजन ना जाने कितनी तेजी के साथ में वो विकास कर सकता है। और उसके साथ तो आपके साथ साक्षात बैठे हुए जगतगुरु रामभद्राचार्य जी। अब मुझे बताया गया कि ये लेखकों के लेखक, लेखक नहीं लेखकों के लेखक, 124 पुस्तकें लिखी इन्होंने। एक साधारण व्यक्ति जो लेखक होता है वो दो अपने जीवन में दो पुस्तक, चार पुस्तक, 10 पुस्तक, 20 पुस्तक, कहीं ना कहीं तो संख्या सीमित है और अभी भी लिखते जा रहे हैं। आज मुझे आए तो एक पुस्तक और भेंट कर दी। ये एक मैं ईश्वर की उस परम पिता परमात्मा की वो जब इस पृथ्वी पर भेजता है तो कुछ ना कुछ आपको एक विशेष प्रकार की प्रतिभा दे और उस प्रतिभा का हमें उपयोग करना है। मुझे ये जानकर और भी प्रसन्नता हुई कि इस विश्वविद्यालय के दिव्यांग विद्यार्थियों ने भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। वे भारत की अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट टीम में चुने गए। उन्होंने पैरा नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ललित कला और संगीत के क्षेत्र में भी इसी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मैं इन सभी विद्यार्थियों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये खुशी की बात है कि इस विश्वविद्यालय में रोजगार से जुड़े पाठ्यक्रम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। ये भी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ से निकले लगभग सभी विद्यार्थियों ने रोजगार प्राप्त कर लिया। हम सबको तब और अधिक खुशी होगी जब यहाँ के विद्यार्थी अपना उद्यम स्थापित करेंगे और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मेरा सुझाव है कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वरोजगार के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाए। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिव्यांगजनों के हित में लागू सभी नीतियों और सुविधाओं के बारे में पूरी जानकारी दी जाए और उन सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग करने में उनकी मदद की जाए। मैं आशा करता हूं कि नियमित विद्यार्थी के रूप में विश्वविद्यालय से विदा लेने वाले सभी छात्र अपने सहपाठियों और अन्य विद्यार्थियों से निरंतर संपर्क बनाए रखेंगे। एक समूह के सदस्य के रूप में आप खुद को अधिक उत्साहित महसूस करेंगे और यह जुड़ाव आप सबके लिए जीवन भर लाभदायक। मुझे ये जानकर और भी खुशी हुई कि यहाँ पूरा छात्र संघ के नाम से अर्थात एक एलुमनाई एसोसिएशन है। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर ऐसा प्रयास करेंगे कि जिसके माध्यम से ये एसोसिएशन यहाँ के विद्यार्थियों को रचनात्मक सहयोग प्रदान करता रहे। अंत में मैं इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः बधाई देता हूँ। लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर पदक पाने वाले विद्यार्थियों की मैं विशेष सराहना करता हूं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और मुझे विश्वास है कि संकल्प और संस्कार से भरे आप जैसे विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाते रहेंगे तथा समाज और देश के विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।